श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती, ओम जय श्री महाकाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में जो कि वीकेंड स्पेशल वीडियो है, हम तैयारी करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए। गए हफ्ते की करेंगे एनालिसिस और उसके बेसिस पर पहचानेंगे कुछ लेवल्स जो करेंगे हमारे आने वाले हफ्ते में मदद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी ट्रेड करने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लें, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका होगा। दोस्तों, गोल्ड के ऊपर एक डिटेल्ड 30 मिनट का वीडियो डाला है जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मैं उन सभी पॉइंट्स को सिल्वर के इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारे जो सारी चीजें हैं वो कॉमन है। लेकिन एक हिंट, एक व्यू, एक शॉर्ट में बात जरूर कर लेता हूं कुछ चीजें जिन्होंने गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर जाने में, सिल्वर के प्राइसेस को ऊपर जाने में। अगर आप देखेंगे तो सोना 49,000 से 56,400 आ गया, वहीं पे चांदी देखेंगे तो 51,800 से 71,000 तक आ गई। तो चांदी के अंदर भी लगभग 20,000 पॉइंट की तेजी हमें देखने के लिए मिली। अगर हम बात करें सोने के अंदर भी, हमें लगभग 7,000 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली, उससे ज्यादा नीचे से मैं बात कर रहा हूं। इसके पीछे कुछ मेन जो वजह रही, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इन्फ्लेशन का काबू में आना, और उसकी वजह से जो रेट इंटरेस्ट, जो रेट हाइक्स थे वो कम होना। और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है 7.1 से 6.5 पे इन्फ्लेशन आ गया है। दो, फेड का जो टारगेट है, सेट टारगेट है, वो 2% है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो 0.5% इंटरेस्ट रेट हाइक था वो या तो 0.25 हो जाएगा या अब धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है। दूसरा, जो डॉलर इंडेक्स एक टाइम 114.70 पहुंच गया था, वो भी 101.50 के आसपास आ गया। तो ये डॉलर इंडेक्स में जो रिडक्शन देखने के लिए मिला वो भी सोने के लिए पॉजिटिव साबित हुआ है। हमारा जो रुपया था, दो कंपैरेटिवली देखा जाए तो रुपया मजबूत हुआ है अभी रिसेंट एक दो हफ्ते में, लेकिन ओवरऑल रुपए में भी हमें कमजोरी ही देखने के लिए मिली है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, रिसेशन का डर, चाइना में कोविड, एक बार फिर से कोविड फैलने की संभावना, इन सभी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है गोल्ड और सिल्वर के पॉजिटिव मोमेंटम में। लेकिन अब कुछ नेगेटिव चीजों का हमें समझना होगा। और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, सिल्वर में वो तेजी देखने के लिए नहीं मिली जो सोने में देखने के लिए मिली थी। मेरी बात को समझिएगा, सिल्वर गिरा ज्यादा और चढ़ा कंपैरेटिवली कम। जहां पर गोल्ड चल रहा है, यहां पर सिल्वर 77,000-78,000 का होना चाहिए था। अगर हम अगस्त 2020 में चले जाएं या हम मार्च 2022 में चले जाएं, दोनों में सिल्वर के प्राइसेस कंपैरेटिवली ज्यादा थे गोल्ड के साथ। लेकिन अभी सिल्वर देखा जाए तो वहां से लगभग 4,000 पॉइंट तो मिनिमम नीचे है, क्योंकि 74,000 का रेट, 74,000 का रेट तो हमें ये मार्च में भी जाता हुआ दिखाई दिया था। इस सब कुछ चार्ट पे देखेंगे तो क्या ये ओवरऑल सिल्वर में वीकनेस दिखा रहा है या ये एक मौका है, जैसे गोल्ड में बहुत से लोग छूट गए। जी हाँ, गोल्ड में बहुत से लोग छूट गए। 51,000 में सेलिंग शुरू हुई, 52,000 में इंटेंसिफाई हुई, 53,000 में जो बायर था वो भी सेलर बन गया, 54 और 55 में जितना पैसा था लोगों ने ठोकना शुरू कर दिया, और 56,000 के बाद तो सोचना ही बंद कर दिया, लगाना ही लगाना है। डर है मार्केट में, बिल्कुल है। 80,000, लाख, सवा लाख आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहा था। क्या वहां जाने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल हैं। $24.50 60 सेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाते हैं तो ये तेजी सिल्वर में कंटिन्यू रह सकती है। क्या गिरावट हो सकती है? देखिए, गोल्ड के साथ सिल्वर नहीं बढ़ा, और अगर सिल्वर इस रैली को कैचअप नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि गोल्ड में जो तेजी है वो अगर वो उसमें अगर एक ब्रेक लगे तो सिल्वर हमें तेजी से नीचे की तरफ आती हुई
दिखाई दे, ये संभावनाएं हैं। तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स डिटेल में बात करी है मैंने गोल्ड के वीडियो में, सिल्वर में आपको एक मैंने आइडिया देने की कोशिश करी है। इन्फ्लेशन कम हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं इन्फ्लेशन कम हुआ है, महंगाई फिर से चीजों की बढ़नी शुरू हो रही है। कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे तो जो मेटल के प्राइसेस थे जो एक समय पे नीचे आ गए थे, 600 तक कॉपर आ गया था, 250 तक, 250, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल में भी आप $3.2 के आसपास आ गया था कॉपर। जिंक के प्राइसेस 250 के आसपास आ गए थे, वो वापस 300 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बात करें कॉपर की, जो 600 आ गया था अब वापस 775-780 के पास आ गया है। बाकी कमोडिटीज़ भी जो नीचे थी वो धीरे धीरे ऊपर की, दो क्रूड अभी भी जो एक इकोनॉमिकली और कहें कि क्रूड को एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, क्रूड अभी भी मॉडरेट है, क्रूड अभी भी 6500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर टर्म्स में बात करें तो $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट क्रूड में भी अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 100-120 की तरफ वापस क्रूड जा सकता है। लेकिन लेट्स स्टिक टू सिल्वर, क्रूड की बात हम क्रूड के वीडियो में करेंगे। सिल्वर बुलियंस में आने के साथ, प्रीशियस मेटल होने के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इसलिए बेस मेटल्स यानी कि जो कॉपर है उसके साथ सिल्वर का अगर ओवरऑल बढ़त है तो चांदी में उसका फायदा मिलता है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि चाइना ओपन हो रहा है, जैसे वहां से अगर डिमांड आएगी कॉपर में, वो एक रीजन था जिसकी वजह से कॉपर में हमें तेजी देखने के लिए मिली। सिल्वर में भी कहा जा रहा है कि उसकी वजह से हमें तेजी देखने के लिए मिलेगी, और अगर एक लेवल टूट गया तो फिर, और मैं वही लेवल चांदी में आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सा लेवल है जिसके टूटने के बाद, नीचे टूटा तो काम हो जाएगा, ऊपर टूटा तो काम हो जाएगा, ये वीडियो मैं उसी परिपेक्ष में बनाने वाला हूं। क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर अब क्या हमें 80,000-90,000 लाख रुपए के लेवल्स मिलेंगे, 65,000-60,000 के लेवल अब कभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। देखिए कभी नाम का जो शब्द है ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं छोटे छोटे उसमें, कभी नाम का शब्द मार्केट के अंदर नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता समझिए, जब ये क्रूड 10,000 था तो किसी ने नहीं सोचा था कि 5,000-6,000 वापस आएगा, 6,000 या 7,000 या 8,000 भी आएगा। जब एनजी 800 थी किसी ने नहीं सोचा था कि कभी जीवन में 300 या 200 कुछ का लेवल देखने के लिए मिलेगा। आज लोग अब 100 रुपए 80 रुपए निगेटिव चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मार्केट हमेशा आपको दहशत में रखती है, वो दहशत में आपको इसलिए रखती है ताकि आप कंफ्यूज रहें, आप हमेशा गलत डिसीजन लें। लेकिन अगर आप दहशत में ना रहें, आप एनालिसिस के बेसिस पर काम करें, आप चार्ट के बेसिस पर काम करें, आप अपने रूल्स के बेसिस पर काम करें, तो दो चीजें होंगी, या तो आपका लॉस होगा तो कम होगा और प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा। लेकिन ये हो नहीं पाता बहुत से लोगों से, और इसी वजह से लॉसेस हमेशा ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट्स हमेशा कम होते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, गोल्ड का मैंने लिंक यहां पर लगा दिया है तो गोल्ड का वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि चांदी ने किया क्या है पिछले हफ्ते। चांदी में 69,835 का लो बना, 67,631 का लो बना और 69,835 का हाई बना, सॉरी 69,835 का हाई और 67,631 का लो। देखिए चांदी एक रेंज में काम कर रही है, अभी हमें समझना पड़ेगा और मैं यही ब्रेकआउट आपको समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे गोल्ड में 55,180 के ऊपर क्लोजिंग मिली और वो क्लोजिंग एक पॉजिटिव क्लोजिंग साबित हुई जिसने गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर की तरफ खींच दिया, चांदी के अंदर उस तरह की वाइब्रेंट क्लोजिंग, उस तरह की पॉजिटिव क्लोजिंग अब तक नहीं मिली है। चांदी बार बार अपने रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर रहा है, ये एक नेगेटिव चीज है, लेकिन इसी में एक पॉजिटिव क्या है कि बार बार वो अपने सपोर्ट को भी होल्ड कर रहा है, जो 67,000, अब इसको आप दोनों तरह से देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि सिल्वर अभी भी कंफ्यूज्ड है, सिल्वर अभी भी कंफ्यूज है, सिल्वर में बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं। एक तरफ जब वो टॉप रिजेक्ट कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सिल्वर जो है वो टॉप बना चुका है और उसको बायर्स नहीं मिल रहे हैं हायर रेट पे,
प्राइसेस नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इन कैंडल्स पे देखेंगे तो सिल्वर अपने जो सपोर्ट्स हैं उनको होल्ड कर रहा है, वहां पर भी उसको सेल ऑफ नहीं मिल रहा, वहां पर उसको बायर्स मिल रहे हैं। जैसे ऊपर में उसको बायर्स नहीं मिल रहे हैं, ऊपर में सेल हो रहा है वो, और इसी वजह से वो बार बार सपोर्ट की तरफ आता है। अब अगर सिल्वर 67600 के या 67400 के नीचे, लिख लीजिए 67400 के नीचे अगर कॉन्जिक्यूटिव क्लोज दे देता है तो हमें 64800 तक जाता हुआ दिखाई दे। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, अगर नीचे सिल्वर 67400 के नीचे क्लोज दे देता है तो 64800 तक जा सकता है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं बायर्स के लिए। अगर सिल्वर में इनके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 70,400 के ऊपर, अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है 70,400 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो 71,500 72,400 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। उस केस में कोई भी दिन सिल्वर के लिए 1,500-2,500 पॉइंट पॉजिटिव भी, वीक पॉजिटिव भी जा सकता है। तो अभी सिल्वर दोनों तरफ कर रहा है। आप अगर वीकली चार्ट हमने देखा, अगर आप डेली भी देखेंगे तो कुछ कुछ सिचुएशन हमें इसी तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए बार बार क्या हो रहा है, बार बार सिल्वर इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है। ऊपर में ये रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, नीचे में ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, और पिछले कई दिनों से हमें ये रेंज में चांदी ट्रेड होते हुए दिख रही है। जब भी ये रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करता है, जब भी ये टॉप को रिजेक्ट करता है तो 1,500-2,000 पॉइंट गिर जाता है, जब भी बॉटम को रिजेक्ट करता है 1,500-2,000 पॉइंट बढ़ जाता है। कुछ इसी तरह की मूवमेंट हमें चांदी के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। और जब तक ऊपर में 70,400 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिलता, क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट ऐसा नहीं जो 3 बजे तक रहा और शाम को 5 बजे खत्म हो गया, नहीं, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। मैंने टेलीग्राम पे एक लेवल आप सभी लोगों को बताया है इंटरनेशनल सिल्वर का, उसको जाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर सिल्वर $26, $27, $29 तक भी जा सकता है। वहीं पर एक लेवल मैंने नीचे का दिया है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो सिल्वर $22, $21, इवन $20, 40 सेंट तक भी जा सकता है। ओवरऑल अभी भी कंडीशन कंसोलिडेशन की है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये हमें पॉजिटिव बायस लेके जाना चाहिए या नेगेटिव बायस लेके जाना चाहिए। मैंने आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया, एक सपोर्ट दे दिया है, खेलिए स्टॉप लॉस के साथ, खेलिए, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दीजिए। बाइंग करेंगे नहीं करेंगे अलग की बात है, सेल पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। नीचे में अगर 67400 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है एक बार, आप अपने बाइंग पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। टॉप पर मत फंसिएगा। मैं फिर गोल्ड के वीडियो में कहा था, मैं सिल्वर के वीडियो में ये बात रिपीट कर रहा हूं, आप आंख बंद करके कोई सुझाव मैं यहां पर बोल दूं कि जी 63,000 के नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगी, तो 69,000 पे आदमी बाय करके 69,000 पे आदमी बाय करके 63,000 तक का वेट करेगा या 68,000 पे बाय करके 63,000? इतना बड़ा ट्रेंड रिवर्सल का लेवल देने का कोई मतलब नहीं है। तो जो सबसे नजदीक एज पर चार्ट है वो है 67,400। ऊपर में मैं कहूं जी 75,000 के ऊपर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नहीं जी, अगर मार्केट 70,400 के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग दे देता है, वहां बंद हो जाता है, मोमेंटम इंडिकेटर्स को सपोर्ट कर देते हैं, अभी मोमेंटम सिल्वर में जब इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं होल्ड कर रहा है, नीचे की तरफ होल्ड कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट वीक हमें वापस 71,000 टेस्ट होता हुआ दिख जाए। क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है आप देखिए, क्लोजिंग हाइएस्ट होते हुए दिखाई दी है इस वीक में, क्लोजिंग जो हुई है वो हाइएस्ट लेवल की तरफ होते हुए दिखाई दी है। ये देखिए 69,460 जो हाई बना था 69,835, गोल्ड भी अपने हाई की तरफ क्लोज होता हुआ दिखा है। मंडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा साहब, अगर मंडे के सेशन में ये तेजी कंटिन्यू हुई तो मेरा सजेशन रहेगा कि ट्यूसडे तक थोड़ा कॉशियस रहिएगा। मैं ये फिर कह रहा हूं, मंडे को अगर तेजी हुई तो हो सकता है कि सेकेंड सेशन में आपको एक गिरावट देखने के लिए मिले। 67,400 को वॉच करिए और कोई लेवल नहीं, एक फाइनल लेवल दे रहा हूं 67,400, उसके नीचे चला गया चीजें खराब हो जाएंगे। 70,400 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई
एकदम से बाई मत करिएगा, वेट करिएगा। अगर क्लोजिंग मिल गई तो आप 71,300, 400, 72,400 तक के भी लेवल देख सकते हैं। ये सिचुएशन मुझे चांदी के अंदर दिखाई दे रही है। लास्ट लाइन यही कहूंगा, कॉशियस रह के काम करिए। अभी कॉशियस रह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मैंने बहुत क्लियर आपको बता दिए हैं, आंख बंद करके नहीं। ऐसा नहीं कि कोई पोजीशन ले ली है तो उसको क्या कहते हैं छोड़ दिया, नहीं। इस समय SL रखिए, बहुत ही क्लियर स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस विल हेल्प यू अ लॉट टू मिनिमाइज योर लॉसेस, ठीक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज्ञा आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।